भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या निर्णायक लढ्याची वेळ आता आली असून या लढ्यात युवकांची भूमिका महत्वपूर्ण असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलं भ्रष्टाचार मुक्त देश आणि समाज निर्माण व्हावा यासाठी संपूर्ण व्यवस्थेनं जागरूक असणं गरजेचं आहे असं पंतप्रधान यांनी नवी दिल्लीत दक्षता जागरूकता सप्ताहानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सांगितलं या बदलासाठी कार्यप्रणालीत गतिशीलता आणणं आवश्यक असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं भ्रष्टाचार के हिसाब सरकार जो इच्छा शक्ति दिखा रही है वैसी ही इच्छा शक्ति सभी विभागों में भी दिखनी आवश्यक है विकसित भारत के लिए हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव इकोसिस्टम विकसित करना है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखता हो ये आज सरकार की नीति में सरकार की इच्छा शक्ति में सरकार के फैसलों में आप हर डगर पे देखते होंगे लेकिन यही भाव हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के डीएनए में भी मजबूती से बनना चाहिए विकसित भारत सायता दोनों ही महत्वाची आय मोदी स्पष्ट किया भ्रष्टाचारे मध्यम और गरीब वर्ग सर्वाधिक नुकसान होता अभाव दबाव यात्र तो निर्माण व्यवस्था बदलने का प्रयत्न हम करते आहोत्तर पंप्रधान लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही है उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है ये काम हमको करना है और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे वो इंस्टीट्यूशन के गले घोटने की कोशिश करेंगे इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा ये सब होगा मैं अपने अनुभव से कहता हूं चल पड़िए ईमानदारी के लिए चल है आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए आप देखिए ईश्वर आपके साथ चलेगा जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी थेट लाभ हस्तांतरण योजनेमुळे दोन लाख कोटी रुपयांची बचत होत असून सरकारी खरेदीत पारदर्शकता आली आहे या योजनेमुळे आता लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ थेट पोहोचत आहे असंही ते म्हणाले सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या भ्रष्टाचार तसंच इतर आरोपांची कालबद्ध चौकशी करण्यात येत आहे भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्मितीसाठी सामान्य नागरिकांचा सहभाग महत्वाचा असल्याचंही त्यांनी सांगितलं दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नव्या तक्रार प्रबंधन प्रणाली पोर्टलचा प्रारंभ झाला या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांनी दाखल केलेल्या तक्रारींवर करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबत नागरिकांना माहिती मिळेल देशात एकतीस ऑक्टोबरपासून ते सहा नोव्हेंबरपर्यंत राष्ट्रीय दक्षता जागरूकता सप्ताह साजरा केला जात असून विकसित राष्ट्रासाठी भ्रष्टाचारमुक्त भारत ही यंदाची संकल्पना आहे